अल्लाह का शुक्र है। तो बेटा, हम आज कल भी हमने काफी सारा टाइम जाया किया था, तो आज हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। जैसे हाँ जैसे लोग आएंगे तो फिर हम ज्वाइन करते जाएंगे, तो हम जी अपना जी जी स्टार्ट करते हैं ताकि मजीद फिर बाकी लोग जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनको एडमिट करते जाएंगे। तो अच्छा सर, मैं वो कह रहा था कि इससे मैं ना एक, यानी कि जो मैसेजेस जो बाहर दूसरे होते हैं इनबॉक्स वाले मैसेज, वो मैं बना लेता हूँ। उससे ये है कि कोई बंदा अगर ऑफलाइन भी बैठा ना, उसको ना भी रोज का पता लगा, मैं मैसेज कर दिया करूंगा उसको थोड़ी देर पहले टाइम देख के, वो या कि आ जाया करेगा टाइम पर, ठीक है, उसकी एक मीटिंग ग्रुप में डाल आईडी, लूंगा। मीटिंग आईडी हमारी ये सेम रहेगी बेटा, और टाइम भी हमारा मीटिंग सेम ही आईडी, रहेगा। हाँ जी, मीटिंग आईडी जो आई है ना यही रहेगी, पासकोड भी जी जी 123 रहेगा। ठीक है। तो इसी वजह से मीटिंग आईडी मैं पर्सनल आईडी ही हमेशा इस्तेमाल करूंगा, जिससे अगर कभी मैसेज ना भी जाए तो आप लोगों को ये पता होगा कि इस आईडी के ऊपर हमें ज्वाइन करना है। तो जस्ट ठीक है, आईडी के ऊपर वो आपके पास लिंक ना भी आए तो आपके पास वो पिछली मीटिंग का लिंक होगा, उसके अंदर मीटिंग आईडी होगी, तो वो मीटिंग आईडी आप दे देंगे तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्नान कहाँ जा रहा है जी? स्नान तो लगता है घूमने फिरने जा रहा है। नहीं स्नान नहीं है सर, फैसल है फैसल, फैसल है वो, ठीक। दूसरा स्नान साथ वाला स्नान, पता नहीं। और बाकियों ने कैमरा बंद कर रखा है जो सुन रहे हैं भाई, अब्दुल रहमान बिन ताहिर साहब खोलो। चलें जी, मैं अपने कैमरा जो है वो ऑन कर लें। सनान असल में सर, कईयों को बेचारों को तरीकेकार का भी थोड़ा सा ना मसला हो रहा चले, मैं एक और वीडियो बना के ना आपको यूट्यूब के ऊपर सेंड कर देता हूँ, तो जिससे आपने किस तरीके से कैमरा वगैरह ऑन करना है वो मैं बता दूंगा। है। हाँ ठीक है तो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपनी बात की तरफ आते हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ताकि जब आपका सवाल हो तो फिर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा। अब हम बात कर रहे थे, लास्टली हमने बात की थी मेमोरी की। हमने कहा था हमारे पास मेमोरी जो होती है वो दो किस्म की होती है, उसके अंदर हमने बात की थी प्राइमरी मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। तो मेमोरी के बाद हमारी जो मजीद बात है जी, फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? फैसल, हाँ जी, जी फैसल अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी बेटा, फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है बेटा, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है उसने कैमरा बंद कर दिया है अपना। लीव करिए सर जी, लीव करिए। चलें जी, कोई बात नहीं। चलें जी, हम आते हैं अपने, आज हम बात करेंगे बेटा। हमने बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह के बारे में बात करनी है, तो हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में बात है स्किप कर दी थी। हमने कहा था कि चंद एक कॉमन बात है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में या इनपुट क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की थी कि हम क्या करेंगे अगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। तो इनपुट हमारे पास क्या है कि कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो वो क्या कहलाती है आपके पास है, इनपुट कहलाती है। तो कोई भी हमारे पास जब हम डाटा देंगे तो वो सिग्नल की फॉर्म में, जीरो और वन में, हम वैसे तो जो भी इंटर करेंगे तो जीरो वन में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के अंदर महफूज हो जाता है। तो जैसे हम कोई भी एंटर करेंगे, कोई भी डाटा एंटर करना है तो हम कई चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम माइक के जरिए आवाज को एंटर कर सकते हैं, या फिर टच स्क्रीन को हमारे पास है तो टच स्क्रीन को टच कर सकते हैं, या फिर हमारे पास माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन के जरिए क्या कर सकते हैं, आवाज वगैरह महफूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी इमेज है तो वो कैमरे से हम ले सकते हैं। तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा को स्कैन कर सकते हैं, पेपर वगैरह के जरिए, स्कैनर वगैरह के जरिए हम उसको स्कैन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट। जिस तरीके से हमने कहा कि डाटा कई किस्म का होता है, उसके अंदर हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, हमारे पास डाटा जो है वो मुख्तलिफ जो आपके पास टाइप्स हो सकती हैं, उसके अंदर हमने कहा था कि आपके पास टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, उसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, ऑडियो की शक्ल में हो सकता है,
उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी आपके पास पिक्चर वगैरह हो सकती है। तो ये जो सारा आपके पास डाटा है, इन तमाम डाटा को अगर हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर करना है या फिर हमने कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है, तो उसके लिए जो डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। और जो हम डाटा देते हैं, जो भी चीजें हम देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी इनपुट कहलाएगी। कौन कौन सी दो चीजें, एक डाटा और दूसरी इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर को जो भी डाटा देंगे या फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो क्या कहलाती है, हमारी आपकी इनपुट कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास है, डाटा भी दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या, कोई भी हमने कमांड देनी है कंप्यूटर को या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है या कोई डाटा वगैरह देना है, तो उसके लिए जो हम डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, फिर हेलो, वालेकुम सलाम। जी बेटा ज्वाइन कर लें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास कौन कौन से कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेज हैं, बहुत सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं। तो उसके अंदर हम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स है, लाइट पेन है, डिजिटल स्कैनर्स है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक सर, जॉयस्टिक इसी में आती है। हाँ, सबको डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, वो भी हमारे पास डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास जो फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, सीडी वगैरह है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अपने रिजल्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड जो होता है हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारी आपके पास बटन वगैरह, कीबोर्ड है, तो वो जो आपके पास बटन्स होते हैं यहाँ पे हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। तो इसके अंदर आपके पास कई किस्म की कीज होती हैं, उसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, उन्हें हम अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। कुछ के ऊपर हमारे पास नंबर्स लिखे होंगे, तो वो आपकी न्यूमेरिक कीज होंगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ इसका अलहदा से ये लैपटॉप का कीबोर्ड है, जो आपके पास क्या है, दूसरे नंबर, तो उसके अंदर आपके पास क्या होंगे, बाकी जो होंगे उसके अंदर आपके पास होंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि और आपके पास न्यूमेरिक हिस्सा होता है। आगे हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या होता है कि हम अगर कीबोर्ड को इस्तेमाल करना है, तो कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। कोई भी आपके पास है, कोई आपने एक फॉर्म फीड करना है, कोई भी आपने डाटा स्टोर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जरिए स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, हमने इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी है, हमने कमांड देनी है कि हमने एक चीज को बंद करना है, तो हम आर्ट स्टोर दबा देते हैं, या फिर किसी चीज को ओपन करना है तो कीबोर्ड के जरिए विंडो और साथ और दूसरी कीज वगैरह दबा देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके जरिए जो कीबोर्ड है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो कीबोर्ड हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या है, इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है बेटा। तो चंद एक कीज वगैरह हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, F1 F2 वगैरह लिखा होता है बेटा। ये जो हिस्सा है हमारे पास है, इसे हम फंक्शनल कीज कहते हैं। ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल कीज कहते हैं। तो इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह दे सकते हैं फंक्शनल कीज। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या है कि नीचे जो हिस्सा है इसके अंदर आपके पास क्या है, आपके पास ABC वगैरह होती है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिक कीज है, तो हम यहाँ पे इसे हमारे पास, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिक भी है, 1, 2, 3 कीज है, इसे हम अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, इसे हम अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएं तो आपको कॉर्नर के ऊपर एक बटन नजर आता है, उस बटन को हम एस्केप बटन कहते हैं। तो बेटा ये आपके पास है कॉर्नर के ऊपर है। तो इसके अलावा आपके पास मजीद और बटन यहाँ पे अगर हम देखें, तो बेटा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं जो आपके पास मुख्तलिफ स्पेशल डेडिकेटेड फंक्शन सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती हैं बेटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे
एरोज के लिहाज से चार कीज नजर आती हैं, तो इसके ऊपर आपके पास एरोज बने होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाती हैं, आपके पास एरो कीज कहलाती हैं, या इन्हें हम कर्सर कीज कहते हैं बेटा। उसके अलावा आपके पास ये जो हिस्सा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस हिस्से के जरिए हम अगर नंबर वगैरह को ज्यादा तेजी से एंटर करना है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, तो ये जो न्यूमेरिक कीपैड के अगर हम यहाँ पर जाएं तो आपको यहाँ पर कुछ लाइट्स वगैरह नजर आती हैं, तो ये जो लाइट्स हैं ये इंडिकेशंस के लिए होती हैं। जब हमने यहाँ पे आपके पास जो न्यूमेरिक कीपैड है तो उसके अंदर हमने नंबर्स एंटर करने हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर नम लॉक की बटन होगा, उसको हम प्रेस करेंगे तो ये जो आपके पास है न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो जाएगा। हम उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक को एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे ऑन नहीं करते तो आपके पास इन कीज के ऊपर भी आपके पास अल्टरनेटिव दो दो आपको निशान नजर आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव काम इसके जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपके पास चंद स्पेशल कीज हैं जिनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट वगैरह होती है, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे अगर हम देखें तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है बेटा, यहाँ पे आपके पास स्पेस बार है, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेस वगैरह दे सकते हैं बेटा। स्पेस बार यहाँ पे हम देखें तो आपको नजर आता है एक बटन जिसे हम क्या कहते हैं, एंटर बटन कहते हैं। तो ये बहुत सारी कमांड्स के इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है। लेफ्ट साइड पे देखें और राइट साइड पे देखें तो आपको दो शिफ्ट कीज नजर आती हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा तो जो आपके पास यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं तो यहाँ पे कैपिटल लिखे हुए हैं, तो लेकिन हमने अल्फाबेट्स जो पढ़ते हैं, जो नंबर्स वगैरह पढ़ते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कैपिटल भी होते हैं और आपके पास स्मॉल नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास एक बटन है जिसे हम यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास स्मॉल भी होता है, आपके पास कैप्स लॉक है, वो जो बटन है वो कौन सा है, कैप्स लॉक। तो यहाँ पे आप अगर कैप्स लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्स लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फिर हम क्या कर सकते हैं, अल्फाज को कैपिटल और स्मॉल कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वो आपके पास कैप्स लॉक होगा, उस कैप्स लॉक के जरिए अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो लाइट है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइट है, यहाँ पे आपके पास एक तो हमने कहा कि आपके पास जो है न्यूमेरिक लॉक के लिहाज से लाइट, दूसरी किसकी है, कैप्स लॉक की लाइट है। तो हम जैसे ही ऑन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम कैपिटल लिख रहे हैं, अगर कैप्स लॉक को दोबारा दबाएंगे तो उसका मतलब होगा हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर डाटा एंटर है कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे जो कीज है बेटा, हम अगर आपके पास कैप्स लॉक ऑफ होगा तो फिर वो क्या करेगा, आपके पास वो डाटा दाखिल करेगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करें इन कीज को तो क्या करेगा, आपके पास कैपिटल दाखिल करता है। लेकिन बास कीज के साथ आपने देखा होगा कि सात चंद एक सिंबल्स आपके पास डबल सिंबल बनी होती है, मतलब 1 2 3 के साथ है। यहाँ पर नीचे हमारे पास जो कीज है उसके अंदर हमारे पास है लेस देन और कॉमा बना होता है, या फिर ग्रेटर देन और फुल स्टॉप लगा होता है। तो यहाँ पे अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो जो अपर हमारे पास वर्ड है, अगर हमने अपर अगर बगैर कैप्स लॉक के शिफ्ट के दबाते हैं तो वो क्या कर रहा है, नीचे वाला सिंबल को दाखिल करता है। अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो क्या करेगा, अपर सिंबल को दाखिल करेगा। तो ये थे कीबोर्ड्स के बारे में थोड़ा सा, तो मजीद हम आगे देखते रहेंगे, तो हम आगे चलते हैं तो मजीद इसके बारे में हम देखते हैं कि और हमारे पास है कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो एक चीज होती है लेआउट, एक चीज क्या होती है लेआउट, सवाल आता है कि व्हाट इज लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड, व्हाट इज लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड, कीबोर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड, लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कीज जो होती है आपके पास, क्या चीज है हमारे पास है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ अ, अरेंजमेंट ऑफ कीज, अरेंजमेंट ऑफ अ कीज। यहाँ पे कीज की आपके पास ऑर्डर होगा, अरेंजमेंट होगी कौन सी कीज चाहिए, वो जो आपके पास अरेंजमेंट ऑफ कीज होती है किसी भी जगह पर आपके पास है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, लेआउट कहलाएगी, अरेंजमेंट ऑफ कीज कहलाएगी, लेआउट कहलाएगी। तो हमारे पास जो है आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या नजर आता है, क्यू नजर आता है टॉप रो के ऊपर, अल्फाबेटिक रो, देखिए हम क्या कहते हैं, क्यूआरटी कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन आपके पास जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे आपके पास दूसरे कीबोर्ड भी इस्तेमाल होते हैं,
तो आपके पास QLT के अलावा और कौन सा लेआउट इस्तेमाल होता है? लेआउट जो है हमारे पास कौन कौन से हैं? QWERTY कीबोर्ड कौन सा है? QWERTY पहले बाकी ना पढ़ना जाए यहाँ पे Q. दूसरा है हमारे पास कौन सा लेआउट है? DWORK. तो यहाँ पे ये QWERTY और DWORK ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो टॉप कीज होंगी ना, टॉप रो होगी, उसके अंदर क्या होगी कीज की तरह DWORK होगी. बेटा ये असल में क्या है कि जो लोग टाइपिंग जानते थे तो उन्होंने क्या किया कि आपके जैसे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिहाज से आपके अल्फाज को तरतीब दिया के ताकि आप क्या कर सकें, इन चीजों को इस्तेमाल कर सकें. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसी के लिहाज से आपके पास जो तरतीब दी हुई है वो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बेटा तो यहाँ पे आपके पास ले आउट क्या हो सकते हैं, आपके पास QWERTY भी हो सकता है, DWORK भी, लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? QWERTY इस्तेमाल करते हैं. कौन सा लेआउट इस्तेमाल करते हैं? QWERTY को. उसके बाद आपके पास क्या है कि कीबोर्ड के आपके पास हम जो लेके आते हैं उसके लेआउट की वजह से उसे QWERTY कीबोर्ड कहते हैं. उसके अलावा आपके पास चंद एक कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टी मीडिया के बटन बने होते हैं, हम आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज को हम ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसे चेंज, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से उसे. बाकी जो है आपके पास ऐसे जो कीबोर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इनहास कीबोर्ड. क्या कहलाएंगे? इनहास कीबोर्ड. उसके अलावा बास जो होते हैं आपके पास कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो आपके पास बगैर वायर के वायरलेस काम करते हैं, कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हैं तो विदाउट वायर काम करते हैं, तो ऐसे कीबोर्ड को हम कॉर्डलेस कीबोर्ड कहते हैं. तो इसके अलावा पोर्टेबल कीबोर्ड भी होते हैं, या फिर आपके पास ऐसे लोग जो लोगों को माजूर हैं जिनके कोई बाजू वगैरह या हाथ वगैरह कटा हुआ है, तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल किस्म के आपके कीबोर्ड होते हैं, इनको हम एगोनोमिक कीबोर्ड कहते हैं. तो जो लोग गेम वगैरह पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा गेम वगैरह इस्तेमाल की जाती है बेटा, तो इनके लिए क्या होते हैं, गेमिंग होते हैं. तो उसके अलावा वर्चुअल कीबोर्ड भी होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि चंद एक टाइप्स वगैरह आप देख लेंगे, उसके लिहाज से हम बात करेंगे. तो हम आगे चलते हैं कीबोर्ड के बाद, आपके पास कीबोर्ड की टाइप्स के बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास और अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेज कौन से होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास माउस. माउस जो है असल में क्या है कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है. तो अगर हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें अपने इनपुट डिवाइसेज को, तो उसको हम क्या करते हैं कि कई कैटेगरी के अंदर तकसीम करते हैं. इनपुट डिवाइसेज को हम कई कैटेगरी के अंदर तकसीम करते हैं. सबसे पहले है जी हमारे पास कीबोर्ड आते हैं. पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है? कीबोर्ड. दूसरे जो है हमारे पास क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेज आ जाते हैं. दूसरे जो है हमारे पास टाइप जो है वो कौन सी? पॉइंटिंग डिवाइसेज. ऐसे डिवाइसेज जो पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास जो है mouse. जो है माउस है. तो माउस असल में क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल. तो यहाँ पे आपके पास माउस कैसा डिवाइस है? आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस है. इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? आमतौर पर हमने कहा डाटा देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. तो ये थोड़ी सी मेरे गुजारिश होगी एमएस से, तो एमएस अपने थोड़ा सा जो आपका माइक है बेटा उसे ऑफ कर लें, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ताकि क्रिएट ना हो, या फिर मैं इधर से सबको म्यूट कर चलें. ये ठीक है, अब हमारे पास अब आप लोगों को आवाज बेहतर आ रही होगी. जब सवाल करना होगा तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम उसका आंसर दे देंगे बेटा. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आप चैट के अंदर भी आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं बेटा. तो साइड पे आपके पास चैट की ऑप्शन है ना, तो वहाँ पे चैट के ऊपर जाके अपना जो भी आपका क्वेश्चन हो वहां से भी भेज दें, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करूं बेटा. तो अब हमारे पास क्या है कि माउस आपके पास क्या है कि मेनली उसका आपके पास माउस किस लिए इस्तेमाल होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है. तो पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा होता है जो आपके कर्सर को कंट्रोल करता है. कर्सर क्या है कि ये आपको सामने नजर आ रहा है ना, तो ये आपके पास शेप है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है. तो यहाँ पे आपके पास जो माउस है वो आपके पास इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, डाटा इनपुट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन आमतौर पर देखा जाए बेटा तो आपके पास माउस जो होता है आपके पास इसके ये इस शक्ल का होता है. तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ बटन बने होते हैं, तो बास के अंदर दो बटन होते हैं, बास के अंदर तीन होते हैं. अब जो आपके पास नए हैं उसके अंदर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं.
तो ये जो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे बटन होगा वो आपका लेफ्ट बटन कहलाएगा, जो राइट साइड पे होगा वो राइट बटन, और दरमियान में ये हमारा जो है वो आपका व्हील कहलाएगा। तो इसे हम स्क्रोलिंग व्हील कहते हैं। तो माउस की भी कई अक्साम होती है, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, कार्डलेस माउस है, हेयर माउस है, और भी कई अक्साम है इसकी। तो मैकेनिकल माउस जो है वो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, नीचे हमारे पास है एक बाल होती है, तो हमने जब इसे सरफेस के ऊपर रखते हैं बेटा, तो सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस के ऊपर उसे रखना पड़ता है, और फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के अगर हम उसे मूव करते हैं तो वो बाल क्या करती है, राइट टू लेफ्ट मूव करती है। तो उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, जिस सेंसर को टच करेगी वो बताएगी कि आपने राइट साइड को मूव करना है, अपवर्ड कर्सर को मूव करना है, लेफ्ट साइड को या डाउनवर्ड। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल माउस ना हो तो उसका अल्टरनेटिव कौन सा है, हमारे पास है ऑप्टिकल माउस है। तो ऐसे लोग जिनके पास ऑप्टिकल माउस होंगे वो क्या कर सकते हैं, आपके पास इसके नीचे लेजर लाइट होगी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस लेजर लाइट के जरिए अपनी इंस्ट्रक्शन द्वारा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जब फ्लैट सरफेस के ऊपर हम उसे रखते हैं तो बेटा उसके ऊपर वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि हमारे पास है नीचे सरफेस की शक्ल क्या है बेटा, और उसके सिग्नल वगैरह भेजेगा। अगर हम उसको राइट या लेफ्ट या किसी साइड पर भी मूव करते हैं तो वो क्या करता है, उसके लिहाज से हमें मूवमेंट के बारे में बताता है, और उसी के लिहाज से कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो आमतौर पर हमें माउस को रखने के लिए क्या होती है, फ्लैट सरफेस चाहिए होती है, ताकि हम उसकी मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल कर सकें। तो इसके अंदर हमने बात की कि दो या तीन बटन होते हैं, और ये क्या करता है, इसके अंदर आपके पास क्या है मुख्तलिफ, इसके अंदर हमारे पास क्या है बटन होते हैं, तो मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो अभी हम उसको मजीद आगे बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ बटन हैं, उसके अंदर हमने बात की कि हमारे लेफ्ट बटन है और राइट बटन है। तो अगर हम लेफ्ट बटन को वन टाइम प्रेस करेंगे तो उसके लिए जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक। क्या कहते हैं, लेफ्ट क्लिक। तो ये इधर हम थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस करना एक बार, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट क्लिक कहलाएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो आपका राइट बटन को प्रेस करना है, तो वो जो है वो आपका क्या कहलाएगा, राइट क्लिक कहलाएगा। उसके बाद आपके पास एक होता है पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है कर्सर को किसी जगह पे ले जाना। यहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है ना, ये स्पॉट लाइट के जरिए, चलो ये जो सुरख सी लाइट सी नजर आ रही है, तो ये क्या है, अब लेफ्ट क्लिक के ऊपर है, राइट क्लिक के ऊपर है, तो ये जो हमारा है किसी खास जगह पे कर्सर ले कैमरा कहलाता है पॉइंट कहलाता है। अमल क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। तो जी सर कैमरा सर उसके ऊपर मारे कीबोर्ड के ऊपर हमें नहीं आ रहा, हमें आपकी फोटो आपकी वीडियो आ रही है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं सर जब से नहीं हो रही, मैंने आपको मैसेज भी किए। नहीं मैं वो साथ साथ मोबाइल सर हो रही है, हमारे पास तो हो रही है, हमारे पास भी हो रही है। ठीक है तो चलें जी, आप आपने अपने क्लिक पे अपनी पिक पे दस क्लिक कर दिया होगा, चेंज कर ले उसको बेटा। उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो आपके पास व्यूज हैं उसके अंदर आप मुख्तलिफ व्यूज ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको रोटेट करेंगे, स्क्रीन वाला के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा, स्क्रीन को शो करेगा। अगर अहमद प्राचा के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अहमद प्राचा पता चलता रहेगा क्या कर रहा है। अगर हम अरसलान के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अरसलान हमें नजर आता रहेगा। ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, चॉइस के ऊपर है कि जिससे दिल लगी हो। ठीक है सर, हो गया हो गया, चलो हमसे लगा लें तो अच्छी बात है, तो कुछ ना कुछ जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें सीखने से हो गया, ये दूसरा लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम और चीजें भी सीखेंगे बेटा। तो हमने बात की थी कि लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना। मैं थोड़ी सी अटेंडेंस ले लूं बेटा, एक स्क्रीनशॉट, तो फिर आपको थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, इससे पहले के आपका लेक्चर एंड हो जाए, फिर हम आगे बात करते रहते हैं। तो कितने जी, 11 लोग हैं। तो जी सर ये मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली। ये गलत हो गया, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा ना इंटरप्शन होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा था, तो मेरे पास लहदा से स्नैगेट किया हुआ है, तो उसके लिहाज से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, वीडियो के ऑप्शन के ऊपर था रिकॉर्डिंग के लिहाज से। आप भी स्नैगेट कर सकते हैं बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो
यहाँ पे आपके पास है, हम उससे पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जब आपके पास ऑप्शन नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैं कैमरे से मोबाइल से ही ले लेता हूँ। तो फिर आपका जी अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ साथ बोलते रहे बेटा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी अहमद, अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस किया था। चलें जी, उन्होंने लगता है हम वापस आते हैं अपने उसके ऊपर। तो इमेज है, तो यहाँ से ऑप्शन हमने सेट कर लिया है, इमेज है, कैप्चर है, यहाँ से हम उसके लिहाज से उसने कैप्चर कर लिया। ये दो तस्वीरें हम यहाँ से, वो लेक्चर की भेजनी होती हैं आपके लिहाज से, तो फिर ताकि वो फॉर्मेलिटीज भी पूरी होती रहे, तो हम इसे क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। चलें जी, अब हम वापस चलते हैं पार्टिसिपेंट की तादाद हाजिरी के ऊपर एक बार, और उसके बाद फिर वापस आपकी बात के ऊपर आएंगे बेटा। जस्ट फॉर अ मिनट, चलेंगे। हाँ जी जी, ये होगी जी फॉर्मेलिटीज पूरी, अब हम वापस आते हैं जी। अब हमारे पास क्या था कि हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ चीजों के लिहाज से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ जो हमारे पास डिवाइसेज हैं उसके अंदर हम राइट क्लिक की, लेफ्ट क्लिक के बारे में बात कर रहे थे। तो राइट क्लिक जो होता है हमारे पास, आपके पास अगर किसी भी जगह पर हम राइट बटन को हमने कहा था एक बार प्रेस करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट क्लिक कहते हैं। लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना हमारा लेफ्ट क्लिक कहलाता है। उसके अलावा अगर हम हमारे पास एक काम होता है डबल क्लिक, तो अगर हम लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करना, इस बटन को लेफ्ट को, तो यहाँ पे लेफ्ट को टू टाइम्स खास इंटरवल के दरमियान, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे आप लेफ्ट क्लिक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डबल क्लिक कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो किसी भी जगह पर अगर हम अपने कर्सर को ले जाएं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे दूसरी जगह पे लेके जाना हो, तो हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप को। ड्रैग क्या होता है, आपके पास एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कर्सर लेके गए हैं तो हम वहां पर जाके अपना लेफ्ट बटन से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा लेफ्ट क्लिक किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिलेक्ट करने के लिए। जो आपके पास राइट क्लिक है वो आपके पास शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है वो आपके पास, जब हमने किसी भी जगह पर गए हमने क्या किया, लेफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक के जरिए क्या होगा आपके पास है, कोई भी चीज आपके पास है, तो यहाँ पे आपके पास जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुंतखब हो जाएगा, और उसको मुंतखब करके हम क्या कर सकते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो क्या कहलाता है हमारा, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से काम कर सकते हैं जी। मोहसिन, बार बार आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी बेटा। मोहसिन अपना माइक ऑन करिए, मिसम है बेटा, मिसम तो हमारे पास 8 मिनट हैं, तो ताकि हम इसको यूजफुल बनाएं तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम नेक्स्ट बात करते हैं माउस के लिहाज से। हमारे पास माउस के एक्शंस आ गए, माउस की टाइप्स के बारे में बात कर लिया। अब हमने कहा कि माउस के लिए फ्लैट सरफेस चाहिए थी बेटा, तो फिर उसका हल क्या निकाला, हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा आ गया जिसके अंदर आपकी बाल जो होती है वो ऊपर की साइड पे होती है। हम अपनी फिंगर्स के जरिए, अपने जो भी हमारे पास फिंगर्स होंगी, अपनी फिंगर को क्या करेंगे, ये बाल नजर आ रही है ना, इसके ऊपर अगर हम इसको रोटेट करेंगे नीचे को या फिर इस साइड को, तो क्या होगा, आपका कर्सर मूव। ये जो ट्रैक बाल है वो भी असल में क्या है,
पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन माउस जैसा है, लेकिन ये स्टेशनरी है, एक जगह पे फिक्स रहता है, इसको मूव करने की जरूरत है नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जगह पे इसे फिक्स रख के हम एक अपनी कोई भी कमांड इसे दे सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर असल में हमने क्या करना है, आपने जब भी आपने इसे एक जगह पे पड़ा हुआ है तो माउस को तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा, हमें स्पेस चाहिए होती है, लेकिन इसके लिए स्पेस की जरूरत नहीं है। हम इससे ये जो ऊपर बाल है इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड या फिर लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका पॉइंटर जो होगा वो मूव करेगा। तो हम कहते हैं कि जो इन्वर्टेड माउस है, ट्रैक बाल जो है वो क्या है, एक इन्वर्टेड माउस है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी आपके पास है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको मजीद मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, हम इस तरीके से इसे मूव करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास टच पैड है, आपके पास जो लैपटॉप्स होते हैं बेटा उसके अंदर आपके पास एक सरफेस होती है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, टच करके मुख्तलिफ सिग्नल्स दे सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास कुछ, आपके पास ये जो जगह है ये प्रेशर सेंसिटिव है। ये कैसी है, प्रेशर सेंसिटिव। अगर हम उसके ऊपर फिंगर वगैरह लगाते हैं तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आपके जो कर्सर है तो उसके लिहाज से आपका जो कर्सर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। जी बेटा, हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? जी बेटा, तो यहाँ पे आगे चलें फिर। तो ये जो हिस्सा है ये क्या, प्रेशर सेंसिटिव है। इसके ऊपर हम अपनी फिंगर को प्रेस करते हैं तो उससे क्या किया जा सकता है, मुख्तलिफ कमांड्स दी जा सकती है। मसलन फिंगर मैंने यहाँ पे रखी, फिंगर पर रख के मैंने थोड़ा सा राइट साइड को मूव किया तो कर्सर क्या होगा, राइट साइड को, लेफ्ट साइड को मूव किया तो लेफ्ट साइड को, अपवर्ड मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर टैप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर टैप करने से जैसे अभी आपने देखा तो आपके पास वो जो है आपके जो कर्सर है वो आपका मूव करता है। जी अहमद, अहमद बार बार कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सिग्नल देते हैं कि हाँ जी जी मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन फिर लगता है कि इसे अहमद को वैसे ही गलती से ये काम हो रहा है तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो बटन्स हैं। तो ये बटन राइट क्लिक का काम करता है, ये लेफ्ट क्लिक का। अगर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैप करेंगे, लेफ्ट क्लिक का। यहाँ पे दो बार आप अपनी फिंगर को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टैप कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टैप कहलाएगा बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास स्क्वायर क्लिक। अब ये सारे काम की काम बात आ गई, जब हम फारग होते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से गेम्स वगैरह खेलनी है, आपने प्लेयर्स वगैरह को मूव करना है तो आपके पास कीबोर्ड के अंदर भी एरो कीज थी, उनके जरिए भी मूव कर सकते थे। पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम हम माउस के जरिए भी कर सकते हैं, ट्रैक बॉल के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास है जॉयस्टिक्स है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप अपने जो प्लेयर्स वगैरह है या गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसको बेहतर तौर पर कर सकते हैं बेटा। इसके अंदर आपके पास ये जो मेन है, आपके पास आप देख रहे हैं तो एक हैंडल है, उसके अलावा आप यहाँ पे बटन लगे हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये बटन है, तो ये जो है इसके अंदर दो चीजें हैं आपके पास, एक आपके पास क्या है मेन, आपके पास हैंडल्स है, और यहाँ पे क्या होंगे आपके पास है बटन्स होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन बटन्स को हम ट्रैगर्स कहते हैं। तो हम उन बटन्स को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपकी जो स्टिक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो उस स्टिक के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, और बटन को दबाकर हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह दे सकते हैं बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास लाइट पेन। लाइट पेन भी आपके पास क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके पास एक ऐसी सरफेस होती है जो लाइट को सेंस करती है बेटा। तो अगर हम आप जिस तरीके से लेजर लाइट है तो वो आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे लाइट निकलती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के जो सिग्नल होते हैं वो उसे हैंडल करता है और उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, पीडीएस के अंदर। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, पीडीएस के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ये लाइट निकल रही है, जैसे जैसे हम उसे मूव करेंगे तो उसके लिहाज से हम मुख्तलिफ सिग्नल्स वगैरह दे सकते हैं। तो लाइट पैन भी असल में क्या करता है, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पैन है, तो इसको हम डिजिटाइजर और टैबलेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक खास किस्म का डिवाइस होता है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपने पैन को मूव कर सकते हैं। तो आजकल जैसे मैथ वगैरह के लेक्चर्स हैं या अकाउंट्स वगैरह हैं
तो सामने अगर आप लोगों को सर ने पढ़ाना हो तो व्हाइट बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर बनाओ, तो कंप्यूटर के ऊपर बैठे भी वही काम कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे उसके साथ क्या कर लें, डिजिटाइजर टैबलेट इस्तेमाल कर लें। तो वहाँ पे आपके पास आमतौर पर डिजिटाइजर टैबलेट 3,000 से 4,000 की मिल जाती है, और हम क्या करें सिर्फ और सिर्फ USB पोर्ट के अंदर कनेक्ट करें और आराम से बैठे हुए अपने लेक्चर्स को लिखते जाएं, तो वो क्या होगा सारे चीजें वहां पर चली जाएंगी। जी ज़ुल्करनैन, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डिजिटाइजर्स को। जी ये इलेक्ट्रिक पेन जो है हम अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रिक पेन बेटा ये आपके मोबाइल के ऊपर OGT के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपके पास है देखना पड़ेगा कि आपके पास उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर है या नहीं है, और उसके लिए हमें स्पेशल अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास वो प्रॉपरली या तो उसको सपोर्ट करता हो, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे उसके सपोर्टिंग जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके लिहाज से हम क्या करेंगे कर लेंगे। जी अहमद, तो लगता है अहमद को वैसे ही हाथ खड़ा करने की आदत है। तो यहाँ पे हम उसके बाद डिजिटाइजर्स की बात कर चुके हैं, डिजिटाइजर जो होता है वो टैबलेट के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये थे हमारे पास है, दो चीजें हमने पढ़ी इनपुट डिवाइसेस के अंदर, हमारे पास दो किस्म के डिवाइसेस पढ़े आज हमने। सबसे पहले हमने बात की कीबोर्ड्स की, सबसे पहले हमने बात की है कीबोर्ड्स क्या होते हैं। दूसरे जो हमारे पास है हमने बात की है पॉइंटिंग डिवाइसेस की। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर हमने बात की है, सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने बहुत सारे पढ़े, सबसे पहले हमने उसके अलावा आपने माउस के अलावा हमने क्या पढ़ा है जॉयस्टिक के बारे में, उसके अलावा माउस था हमारे पास वो क्या कहलाता था ट्रैक बॉल। हाँ जी हमने क्या पढ़ा ट्रैक बॉल के बारे में, वो भी असल में क्या है एक पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल आपके पास। हाँ जी जी जो आपके पास क्या है टच पैड, हमारे पास क्या है टच पैड है। उसके अलावा हमारे टच स्क्रीन होती है, वो भी असल में क्या होती है आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती है। उसके अलावा हम लाइट पेन को इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं डिजिटाइजर को इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास डिजिटाइजर और टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइसेस है बेटा।